अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अदरक के बेशुमार फवायद, सब्ज़ी भी और इलाज भी। अदरक एक सब्ज़ी है जिसमें विटामिन की वाफर मकदार मौजूद होती है, जो तासीर के लिहाज से गर्म खुश्क है। इसका इस्तेमाल तकरीबन तमाम खानों में किया जाता है, जिससे बेहतरीन मसाला तैयार होता है और खाना लजीज बनता है। अदरक को ख़ास तौर पर ऐसे खाने में डालना ज़रूरी होता है जो तासीर के अतबार से बादी हों। यह सब्ज़ी खानों में लज्जत पैदा करने के साथ मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुफीद है। यह ताज़ा और सुखा कर दोनों सूरतों में इस्तेमाल में लाई जाती है। इसको खुश्क कर लें तो यह सूंट बन जाती है। इसके बेशुमार फवायद में से दर्ज ज़ैल फवायद काबिल ज़िक्र हैं। अदरक का इस्तेमाल मैदे के जुमला अमराज में मुफीद है। यह दस्त, आवर भी है और काबज़ भी। जिनको मतली, कै, बदहज़मी, यरकान या बवासीर की शिकायत हो, वो ताज़ा पिसी हुई अदरक में एक चम्मच पानी और एक चम्मच लीमू का रस, एक चम्मच पुदीने का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। अदरक रेह को तहलील करती है। भूख कम लगने की सूरत में अदरक का इस्तेमाल मुफीद है। पेट का दर्द और अफारा दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर अपना हाजमा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद ताज़ा अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लें। इससे आप हाजमा कभी ख़राब नहीं होगा। अदरक ज़बान की मैल उतारने के साथ मैदे की कई बीमारियों से बचाती है। अदरक का पानी पेशाब आवर होता है। पेशाब की तकलीफ में इसका इस्तेमाल मुफीदतर है। अदरक अंतड़ियों की सोजिश को भी ख़त्म करती है, जिगर को तकवीत देती है और बलगम जारी करती है। गर्म तासीर होने की वजह से ये जिस्मानी दर्दों के लिए ज़रिया निजात है। सर्दियों में अगर खांसी हो जाए तो एक चम्मच अदरक के रस को शहद में मिलाकर इस्तेमाल से आराम आ जाता है। अदरक गुर्दों और मसाने में ताकत पैदा करती है। इसमें शामिल मैग्नीशियम और जंक खून की सर्कुलेशन को नॉर्मल रखता है, जिससे सर दर्द की शिकायत कम हो जाती है। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में इसकी यखनी बनाकर पी लें या फिर इसका रस चाय में मिलाकर पी लें तो काफ़ी बेहतरी होती है। अदरक कैंसर के बढ़ने की रफ्तार को कम करती है, मुँह की बदबू ख़त्म करती है। औरत या मर्द के कमर के निचले हिस्से के दर्द को दूर करने के साथ औरतों के मखसूस अयाम में दर्दों को कम करने में मुफीद है। अदरक खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल में रखता है और इसको बढ़ने नहीं देता, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए अदरक किसी नेमत से कम नहीं। नोट: अदरक का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा मत करें। जो मर्द व ख़वातीन खून को पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं हों, इनके लिए नुकसानदेह है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से अदरक का इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।